आर्मी के चीफ चंद्रशेखर रावन करनाल जेल में बंद किसान मजदूर संगठन की नेता नवदीप कौर से मुलाकात करने पहुंचे। यहां पर उन्हें मिलने की अनुमति नहीं मिल पाई। वहीं चंद्रशेखर रावन ने सरकार पर निशाना साधा है। आपको बता दें कि किसान मजदूर संगठन की नेता नवदीप कौर, जो पिछले कई दिनों से अलग अलग मामलों में करनाल जेल में बंद है, उससे मुलाकात करने चंद्रशेखर रावन पहुंचे थे। चंद्रशेखर रावन भीम आर्मी के चीफ हैं। पहले उनका स्वागत हुआ, लेकिन उन्हें नवदीप कौर से मुलाकात करने की परमिशन नहीं दी गई, जिसके बाद उनके वकील और वो जेल में मुलाकात करने के लिए जेल सुप्रिटेंडेंट के पास गए। उनसे बात की, पर नवदीप कौर से मिलने की परमिशन नहीं मिली। चंद्रशेखर ने कहा, कुछ तो गड़बड़ है जिसके कारण नवदीप से मिलने नहीं दिया जा रहा है, जिसको लेकर उन्होंने सरकार को घेरा है। चंद्रशेखर ने कहा कि एक हवालाती को जेल में जो सुविधाएं, किताब, कॉपी, पेन की मिलनी चाहिए, वो भी नवदीप कौर को नहीं मिल रही है, जिसको लेकर वो कोर्ट में भी जाएंगे। बहरहाल नवदीप कौर का मुद्दा काफी गर्माया हुआ है। नवदीप कौर पर सोनीपत में अलग अलग 3 मामलों में मुकदमा दर्ज है और वो फिलहाल करनाल जेल में बंद है। देखना ये होगा कि ये मामला कब शांत होता है। कहना चाहेंगे सर, आज आप करनाल पहुंचे हैं, क्या खास वजह है? देखिए, करनाल जेल में एक नौजवान जो है, एक महिला नेता हमारी जो लड़ रही थी जुल्म जाते खिलाफ, मजदूरों की लड़ाई को मजबूती से लड़ रही थी उनके हक अधिकारों के लिए, और फिर वो किसान आंदोलन में सहयोग कर रही थी। सरकार ने षड्यंत्र करके जो है उसको जेल में रखा हुआ है। उनका नाम नवदीप कौर है और मैं उनसे मिलने के लिए आज यहाँ आया हूँ, क्योंकि 12 जनवरी से वो बंद है और हमें नहीं पता कि उसकी तबीयत कैसी है, और जिस तरह की चीज़ें बाहर आई हैं उनके परिवार द्वारा या हमारे जो लीगल एडवाइज़र हैं यहाँ पर भीम आर्मी के, वो गए थे मिलने। जो चीज़ें उन्होंने बताई हैं बहुत दुखद हैं, कि जिस तरह का हमला उस पर किया गया, जिस तरह से वो चोटिल थी, उसका मेडिकल नहीं हुआ है, वो तमाम तरह की चीज़ें जो कानून संगत नहीं है, संविधान संगत नहीं है, तो वो जानने के लिए मैं यहाँ उससे मिलने के लिए, और विश्वास दिलाने के लिए वो अकेली नहीं है, मैं यहाँ पहुँचा। और अभी देखता हूँ कि जेल प्रशासन इस पर किस तरह की जो है अपनी प्रतिक्रिया देता है। देखिए, मैंने बाई हैंड भी, मेल करके भी, और रजिस्टर्ड पोस्ट से भी, हमने 3 तरह से जो है उनको इंटीमेट किया था जेल प्रशासन को। जहाँ तक मैंने बताया कि मैं एक एडवोकेट भी हूँ और खुद मैंने जेल भी जो है, कई दफ़ा मैं जेल गया हूँ, तो मैं जेल प्रोसीजर को जानता हूँ। जेल सुप्रिटेंडेंट जो होते हैं उनको अधिकार होता है, बंदी से वो किसी की मुलाकात करा सकते हैं। मैं तो उसके परिवार से हूँ, वो मेरी बहन है। तो सेकंड क्या है कि अगर जो जिला अधिकारी होते हैं उनको भी अथॉरिटी होती है कि वो भी परमिशन दे सकते हैं। अब सरकार ने अगर ये तय कर लिया है कि उनसे नहीं मिलने देना है, तो ये वहाँ जाके जानकारी हो जाएगी। तो आपका अगला कदम क्या होगा? हाँ, देखिए, अभी मैं पहले जाके, मैं कुछ भी फॉल्स नहीं कमेंट करूँगा, पहले मैं जाके उनके एक बार उनसे जानकारी ले लूँ कि वो उन्होंने परमिशन दी है या नहीं दी है। बेसिकली क्या है कि मुझे शक ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि 2 चीज़ें हैं, कि एक तो नवदीप के साथ क्या हुआ है, अगर वो मेरे थ्रू मुझे जानने को मिलेगा तो पूरी दुनिया जो है, पूरी दुनिया में जो बहुजन समाज के लोग हैं उनको उसकी जानकारी मिलेगी, क्योंकि वो लोग मुझे फॉलो करते हैं। तो सरकार को ये डर है कि वो जो उसके साथ दुर्व्यवहार हुआ है वो जनता के बीच ना जाए, और जनता का समर्थन जो है इस सरकार की जो झूठ है इसका पर्दाफाश ना हो जाए, जनता का समर्थन नवदीप को ना मिले। पहली बात। दूसरी बात, मुझे ये भी डर है कि कहीं नवदीप की हत्या तो नहीं सरकार जेल में कराना चाहती है। तो अगर मैं उससे नहीं मिल पाऊंगा तो मैं आके आपके बीच में अपनी बात रखूँगा। पहले मैं जेल अथॉरिटी से जाके मिलूँगा, और मैंने जो जिस तरह से लीगल वे में परमिशन मांगी है, अपनी परमिशन पे बात करूँगा। और अगर वो वहाँ से मना करते हैं तो मैं फिर DC ऑफिस जाऊँगा, यहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं उनसे बात करूँगा और उनसे पूछूँगा, उनसे परमिशन की दरख्वास्त करूँगा। मैंने उनको भी जो है इंटीमेट किया, उनके लिए परमिशन कॉपी भेजी है। अगर ये दोनों सफलता भी नहीं मिलती, फिर मैं अपनी टीम से बात करूँगा कि हमें अपनी बहन की सुरक्षा कैसे करनी है और उसके लिए न्याय की किस तरह सुनिश्चित कराना, तो जो आगे कार्रवाई होगी मैं जेल ऑफिस जेल के पास से आपको बताऊँगा। सर, देखिए, कुछ दल तो ऐसे हैं जो चुनाव में ही बेचारे आते हैं, चुनाव दिखाई देते हैं जब वोट का समय आता है, बाकी दिनों में तो नहीं दिखाई देते। भीम आर्मी तो पिछले 5 साल से दिन रात एक करके, उत्तर प्रदेश हो, देश का कोई भी कोना हो, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, सड़कों पर लड़ाई लड़ती है सारे अधिकारों के लिए, और जो अत्याचार होते हैं उनके खिलाफ भी। तो भीम आर्मी सक्रिय है, उसका रिजल्ट आपको 2022 चुनाव में देखने। सर, एक टूल किट का मामला काफी रवि का मामला सामने आ रहा है, ग्रेटा था वो सोशल मीडिया से, और नौजवान महिला नेताओं से डर चुकी है, ये जग जाहिर हो चुका है। ये सरकार जो है झूठ के दम पर टिकी हुई है, जिस तरह से मीडिया के लोगों को डरा के अपनी बातों को जो है गलत तरीके से प्रस्तुत करती है, जनता में बड़ा इसका जो है
विरोध है और ये किसान आंदोलन तमाम आंदोलन देखने को मिल रहा है। बाकी जो कुछ होगा आपके बीच में है, मगर मुझे पता है कि जो गिरफ्तारियाँ हो रही हैं फॉल्स हैं, क्योंकि अगर सरकार इतनी अच्छी होती तो मुझे लगता है किसान इतने दिन से सड़कों पर ना बैठे। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।